बनाने जा रहे हैं कुकर में छोले। हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है ना कि छोले बनाना है तो एक टेंशन रहता है कि भाई छोले में ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें उबालने हैं फिर छौंकने हैं। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ कुकर में ही हम किस तरह से छोले बना सकते हैं। उसके लिए मैंने लिए एक बड़े साइज की प्याज थी, उसको मैंने ये पीस लिए, दो टमाटर, ये छोले मैंने ये लिए मीडियम वाले, इनको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था, ये 250 ग्राम छोले हैं, और एक बड़ी इलायची, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ये लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच छोले मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, और आधा चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप अनारदाना भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास अनारदाना नहीं है तो आप अमचूर पाउडर ले लें। अब चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने उन चनों को ओवरनाइट रात में भिगो के रख दिया था, और ये देखिए इस तरह के ये चने हो गए हैं, ये देखिए कितने अच्छे से भीग गए हैं, और इन्हें मैंने दो बार पानी से अच्छे से धो भी लिया है। अब हम इन्हें एक साइड में रख देते हैं। अब हमने एक कुकर ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया एक बड़ा चम्मच ऑयल, और इसमें मैं डाल देती हूँ ये खड़े मसाले, मैं इनको अच्छे से चला देती हूँ थोड़ा सा, और साथ में मैं डालूंगी इसमें प्याज, इस तरह से चला देती हूँ, और फिर मीडियम आंच पे अच्छे से हमें गोल्डन करनी है प्याज को, ज़्यादा तेज आंच नहीं रखूंगी, मीडियम आंच पे अच्छे से भून जाए हमारी प्याज। अब ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से, आपको लग रहा होगा ना कि ज़्यादा पक गई है, पर बिल्कुल परफेक्ट पकी है। इस तरह से हमें इसे गोल्डन करना बिल्कुल, और इसे पकने में 10 से 12 मिनट लग गए मीडियम आंच पे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, छोले मसाला, अमचूर पाउडर, हल्दी बहुत ज़रा सी डालेंगे, 1/4 टीस्पून के लगभग, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और एक मिनट हमें मसालों के साथ पका लेती हूँ उसे। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि हमें अलग इसको ना उबालना है ना उबालने का भी झंझट नहीं है, सिर्फ कुकर में ही हम इन छोलों को बना के तैयार कर लेंगे, और इसका टेस्ट जो है ना उन वाले छोलों से भी बहुत अच्छा आएगा। और दूसरा, ये छोटे वाले जो मीडियम वाले छोले होते हैं ना, इनसे अगर ये रेसिपी बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर की, ये मैंने प्यूरी बनाई थी ये डाल देती हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक, ये मैंने 250 ग्राम छोले थे मेरे, तो मैंने 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल दिया है। और अब हम इसको जब तक हमारा ये मसाला ऑयल नहीं छोड़ देता मीडियम आंच पे पका लेते हैं इसको। ये देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से पक गया है, चारों तरफ ऑयल छोड़ने लगा है। अब मैं इसमें डालूंगी ये जो छोले हैं ना हमारे, ये डाल देती हूँ। फिर मैं डालूंगी लगभग 1 गिलास पानी अभी, और इसको चला देती हूँ अच्छे से। कुकर को एक साइड में रख देती हूँ। अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी लगभग 1 से 1.5 कप पानी, और इसमें 2 चम्मच चाय पत्ती, और इसको एक उबाल आने तक उबाल लेती हूँ थोड़ा से। अब ये देखिए हमारा जो चाय का पानी है इस तरह का तैयार हो गया है। अब एक छलनी की मदद से इसमें डाल देती हूँ मैं, और इसे चला देंगे। तो इसमें हमें पानी उतना रखना है जितना हमारे जो चने हैं ना अच्छे से डूब जाए, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे कुकर को बंद करके 5 से 6 सीटी लगा लेती हूँ, जिससे हमारे चने अच्छे से उबल जाएं। और वो आपकी फ्लेम के ऊपर भी रहता है कभी कभी कि आपकी, जैसे मेरी उससे 4-5 सीटी में अच्छे से चने उबल के तैयार हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके में उतना नहीं होगा तो आप 1-8 सीटी और एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। अब कुछ लोग क्या है इस टाइम पे थोड़ा बहुत खाने का सोडा डालते हैं, पर मैं नहीं डाली आज इसमें किसी भी तरह का सोडा वगैरह, तो मैं नॉर्मली बिना सोडे के बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह का पानी इसमें है। अब जब तक हमारे कुकर में सीटी लग रही है तब तक हम क्या है इसके साथ हम बनाएंगे मसाला पूड़ी। उसके लिए मैंने लिया ये 1/2 किलो आटा गेहूँ का, इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया,
एक चम्मच अजवाइन इस तरह से क्रश करके, थोड़े से चिली फ्लेक्स और पूड़ी के जितना हमारा आटा है उसके हिसाब से नमक, और इसमें एक चम्मच कोई भी ऑयल इस तरह से डाल देंगे। और इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से इस तरह से हाथ से मिला लेती हूँ। और पूड़ी के साथ ये छोले, जब भी हम छोले बनाते हैं उसके साथ या तो भटूरे हो या इस तरह की पूड़ी आप बनाइए एक बार, मसाला पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसका एक टाइट डो बना लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट डो बना लेते हैं, जैसा हम पूड़ी के लिए बनाते हैं ना। अब ये देखिए हमारा इस तरह का ये टाइट डो हो गया है। अब हम इस पर जरा सा ऑयल लेके हाथ पे, जिससे कि हमारा आटा अच्छे से ये ढल जाए। ऐसे में जब तक हमारे छोले तैयार हो रहे हैं तब तक के लिए रख देती हूँ इसे 10 से 15 मिनट। अब ये देखिए हमारे छोलों का कलर भी उतना अच्छा आ रहा है, और अब मैं इसे ऐसे चमचे से चला के देख लेती हूँ कि गल गए क्या अच्छे से। वैसे तो मुझे देखने से लग रहा है परफेक्ट गल गए, ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें सिर्फ 5 सीटी लगाई थी और 5 सीटी में छोले देखिए बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं और गाढ़े भी बिल्कुल सही है जितने हमें चाहिए। डाल दूंगी ये रोस्टेड, मतलब मैंने ये भून के ना कसूरी मेथी रख ली थी, ये डाल देती हूँ 1 चम्मच। अब ये हमारे छोले तो अच्छे से बन गए हैं। अब हम एक काम और करते हैं, इसमें एक फाइनल तड़का और लगा देते हैं जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब मैंने ये ले लिया 1 चम्मच देसी घी, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हींग, थोड़े से इस तरह से लंबे लंबे मैंने स्लाइस में अदरक के पीस कर दिए ये डाल देती हूँ, और 4 से 5 हरी मिर्च स्लाइस में कट कर लिए ये डाल के, और इसको ज़्यादा हमें नहीं भूनना, बस थोड़ा सा हमें पकाना है। अब ये देखिए तड़का हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए हमारे छोले तो बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम क्या करते हैं, हमारा आटा रखे हुआ भी हो गया 10 से 15 मिनट, इसमें से मैं आटा निकाल लेती हूँ और छोटा सा पीस निकाल लूँगी, बाकी आटा मैं रख देती हूँ साइड में। इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेती हूँ, और हमें जितनी बड़ी साइज़ की पूड़ी बनानी है उतनी बड़ी बड़ी हम इसकी लोई तोड़ लेंगे। अब हम चकले पर थोड़ा सा ऑयल लगा के और इसे अच्छे से बेल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी पूड़ी कितनी अच्छी पतली बिल गई है। अब कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख दिया था, इसमें मैं डाल देती हूँ 1-1 करके पूड़ी, और इसको ना इस तरह से दबा के 1-1 पूड़ी ना थोड़ा सा, जिससे हमारी पूड़ी आराम से फूल जाए। और इसकी फ्लेम जो है ना हाई रखनी है, क्योंकि जब भी पूड़ी बनाते हैं ना अगर उसकी फ्लेम हाई रहती है तो हमारी पूड़ी फूली फूली आती है। ये देखिए कितने अच्छे से पूड़ी हमारी फूल गई है। अब इसी तरह से हम सब पूड़ी बना लेते हैं। अब हमारी छोले मसाला पूड़ी बनके तैयार है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।